घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती हैं। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। क्या बिग बॉस ओटीटी की विनर दिव्या अग्रवाल नजर आ सकती है सलार में? क्या होने वाली है प्रभास की सलार की खास बातें? आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जया। दोस्तों, जब से प्रभास की अपकमिंग फिल्म सलार की अनाउंसमेंट हुई है तभी से फिल्म का इंतजार है। और इसकी खास बात यह है कि इसको जो डायरेक्ट करने वाले हैं वो है प्रशांत नील, जिन्होंने केजीएफ जैसे फिल्म को डायरेक्ट किया है। अब इसका सेकेंड पार्ट भी लेकर आ रहे हैं और कहा जा सकता है कि जब दो आइटम बॉम्ब एक साथ फटेंगे तो क्या कुछ होगा। तो प्रभास और प्रशांत नील का मिलन कुछ इसी तरह का चमत्कार देखने को मिल सकता है हमें पर्दे पर। और अब इससे जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। पहले तो आपको बता दें कि प्रभास के साथ इस फिल्म में श्रुति हसन होने वाली है। और अब खबर आ रही है कि बिग बॉस ओटीटी की विनर दिव्या अग्रवाल भी इस फिल्म में हो सकती है। अभी ये खबरें ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन दिव्या जब से जीती है एक अलग ही तरह की वो लाइमलाइट एंजॉय कर रही है, हर जगह सुर्खियों में बनी हुई है। तो हो सकता है कि उनका डेब्यू होने जा रहा है। और डेब्यू भी सोचिए, किस्मत सोचिए कितनी अच्छी है कि सीधा साउथ की सुपरस्टार प्रभास की फिल्म होकर सुपर डायरेक्टर प्रशांत नील उन्हें डायरेक्ट करेंगे। तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका होने वाला है। अब आने वाला टाइम बताएगा कि वो वाकई इस फिल्म में होंगी या नहीं। इसके अलावा आपको बता दें सलार का क्या मीनिंग है। इस बारे में प्रशांत नील ने बताया था कि सलार का मतलब होता है कमांडर इन चीफ, और कमांडर बनते हुए नजर आएंगे इस फिल्म में प्रभास। साथ ही आपको बता दें कि एक लुक भी शेयर किया गया था प्रभास का, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, उनके हाथ में गम थी और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश वो लग रहे थे। तो दोस्तों, बहुत कुछ खास होने वाला है इस फिल्म में। आप कितना वेट कर रहे हैं फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़।